नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो भूषण चैनल में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। वक्री शनि 17 जून से कुंभ राशि में वक्री हुए हैं और वो 4 नवंबर तक वहाँ पे रहने वाले हैं। अभी तक हम धनु राशि और लग्न के लिए बात कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले मकर लग्न या राशि। अगर आपको आपकी कुंडली पता नहीं है, आपकी राशि पता नहीं, लग्न क्या है ये पता नहीं, कुंडली के अलग अलग भाव अगर पता नहीं, तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से वो देखिए। साथ ही साथ वक्री शनि क्या होता है उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको भी देखिए। फिर इस वीडियो के साथ आप खुद को अपने आप को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। मकर राशि या लग्न के लिए ये जो इफेक्ट होने जा रहा है ये सेकंड हाउस में हो रहा है। ये जो शनि जो वक्री हो रहे हैं वो सेकंड हाउस में हो रहे हैं। द्वितीय भाव सेकंड हाउस है आपका फैमिली मेम्बर्स, आपका सेविंग्स, आपका स्पीच, आपका खान पान। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी स्पीच में क्लैरिटी आएगी, लोगों को आपकी स्पीच अच्छी लगने लगेगी, आप जो कह रहे हैं वो अच्छा लगने लगेगा। लेकिन ये शनि का इफेक्ट है, शनि में स्पीच जो है वो कड़वी होती है, तो आपको तब तक किसी से कुछ बताना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ सलाह नहीं देनी है, जब तक वो लोग आपसे नहीं मांगते। अगर कोई आपसे सलाह मांगता है तब दीजिए, क्योंकि आप सीधा बोलोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे और फिर कड़वा बोलोगे, सच्चा बोलोगे, तो आज की डेट में सच्ची चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो जब तक आपको कोई बोलता नहीं है, कोई आपसे डिमांड नहीं करता है या आपकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तब तक आप आपकी राय मत दीजिए, आपका ओपिनियन आप अपने पास ही रहने दीजिए। ये कुटुंब का भी स्थान है, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, बच्चे, सबका। इस दृष्टि से इन सब लोगों का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप म्यूजिशियन हो, चाहे आप एम्प्लॉई हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आपको फैमिली का सपोर्ट हर जगह मिलेगा। क्योंकि शनि वक्री है और वो अपनी खुद की राशि में है, साथ ही साथ क्या है कि वो आपके लग्नेश भी हैं, तो वो दोनों जगह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये सभी रिजल्ट्स, ये जो भी आपको मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है, सडन मिलेगा, अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। आपका सेविंग्स जो है वो सही जगह आप इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपका थॉट्स भी है, आपके विचार भी है, वो भी सही जगह जाएंगे। सेविंग्स आपके गड़बड़ नहीं होंगे, आप सिर्फ एक ही चीज़ करना कि सेविंग जहाँ भी करोगे लॉन्ग टर्म में कीजिए, शॉर्ट टर्म के सेविंग मत कीजिए। आप कहीं एखादा प्रॉपर्टी लेने में सेविंग्स कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। या आपके अनप्लान्ड खर्चे नहीं होंगे, आप एक प्लान्ड वे में उसको खर्चा करोगे, जो भी आपके पास अमाउंट है। तो उस तरह से सेकंड हाउस में जहाँ पे शनि बैठे मकर लग्न या राशि के लिए ये अच्छा पोजिशन है। आपको लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, राशि को कम देना है। 70% लग्न, 30% राशि, आप मोटा मोटी प्रोपोर्शन ऐसा कंसिडर कीजिए। अब यहाँ पे शनि की एक दृष्टि है, वो फोर्थ हाउस पे है और यहाँ पे मेष राशि है, यहाँ पे शनि की नीच राशि है, यहीं पे गुरु राव चांडाल योग भी चल रहा है, ये 30 अक्टूबर तक रहने वाला है। अब फोर्थ हाउस से क्या है, जमीन, माता, भूमि, वाहन और आपका सुख, आपका आत्मा, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उस तरह से ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको आपकी माता की सेहत का ख्याल रखना है, एक से ज़्यादा ओपिनियन लेने, अगर उनकी सेहत में कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको एक से ज़्यादा 2-3 डॉक्टर्स के ओपिनियन लेने हैं, तो उनकी सेहत को इग्नोर मत कीजिए। साथ ही साथ आप कोई भी प्रॉपर्टी, ज़मीन लेना चाहोगे, वो ज़मीन आपको शायद अच्छी ना मिले, डॉक्यूमेंट्स में क्लैरिटी ना हो,
कोई उसमें लिटिगेशन हो, कोई अब्लिगेशन हो, किसी के कुछ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कोई क्लैरिटी ना हो, इस तरह की प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। तो इस टाइमिंग में व्हीकल हो, प्रॉपर्टी हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों में मत कीजिए। देखिए आपके सेविंग एक जगह तो राइट होने के चांसेस है, बट अब मैं जहाँ पे बता रहा हूँ, आप ज़मीन में मत इन्वेस्ट कीजिए, आप व्हीकल्स में मत इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे आपके सेविंग्स गड़बड़ हो सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि शनि की जो है नीच दृष्टि है, वक्र दृष्टि है, वहीं पे गुरु राहु चांडाल योग चल रहा है, तो ये सब सर्कमस्टेंसेस में आपको जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी नहीं मिल सकती है। तो बेटर है कि आप नवंबर फर्स्ट वीक तक उन चीज़ों में मत उलझिए, उसमें आप पैसा मत डालिए। आपके सुखों में कुछ न कुछ शनि गड़बड़ कर सकता है, कुछ न कुछ कोई भी चीज़ से लेकर आपको एक क्या बोलते हैं, दिल में एक तकरार रहेगी कि कुछ तो सुखों में कमी है, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि है और वो सुख भाव पे है, तो कहीं ना कहीं आपके सुखों में कमी आए। तो चतुर्थ भाव के लिए आपको थोड़ा सा संभल के चलना ज़रूरी है। अब एक दृष्टि है बिल्कुल सामने, सप्तम दृष्टि आपके कुंडली के अष्टम भाव पे। अष्टम भाव जो है गुप्त रोग, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, पैतृक संपत्ति, इन सब चीज़ों का भाव है। अब यहाँ पे गुप्त धन, आप गुप्त धन बोल सकते हो जो आपको पता नहीं है ऐसा धन, या तो आप आसानी वाला धन, आसानी से आने वाला पैसा, ये सूर्य की राशि है। आप बहुत ज़्यादा गुप्त धन के पीछे मत भागिए, या आसानी से पैसा मिलने के पीछे मत भागिए। आप बहुत दिनों से एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में आपका रुचि बढ़ गया होगा, बट अभी इस टाइमिंग में आप उसमें ज़्यादा उलझिए मत, क्योंकि गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, इन सब के लिए आपको जो गाइडेंस मिलना है वो अच्छा नहीं मिलेगा, वो अच्छा मिलने के चांसेस कम है। तो बहुत ज़्यादा उसमें खुद को उलझाइए मत, आपको आपके काम के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही आप उसमें इन्वॉल्व होइए। पैतृक संपत्ति में आप लालच मत कीजिए, जितना आपके हक का है वो शनि बिल्कुल आपको दे के रहेगा, वो आपको दिला के रहेगा, आपके साथ शनि न्याय करेगा, लेकिन आप ज़्यादा लालच करके नहीं मुझे इतना चाहिए, नहीं मुझे उतना चाहिए, ऐसा करोगे तो फिर शनि वो आपको नहीं देगा और उससे आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। साथ ही साथ इस मेंटल स्ट्रेस की वजह से गुप्त बीमारी या गुप्त रोग, गुप्त यानी जो रोग आपको पता नहीं, वो सडनली सामने आ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह का कोई ये आएगा, आपको उसका इलाज भी मिलेगा, उसको इग्नोर मत कीजिए, उसका क्योर कीजिए, उसका रिजोल्यूशन आपको मिलेगा। अब और एक दृष्टि शनि की 11th हाउस पे, आपका इच्छा पूर्ति का स्थान, आपका लक्ष्मी स्थान, आपका लाभ भाव, ये भी मंगल की राशि है जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि है, लेकिन यहाँ पे शनि की दृष्टि नीच नहीं है, लेकिन सिर्फ मंगल की राशि है। इस तरह से यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें डेफिनेटली कमी आएगी, क्योंकि यहाँ आपका अर्निंग का स्रोत है और सेकंड हाउस में जहाँ पे शनि वो सेविंग्स है, तो सेविंग्स तो शनि सही जगह कर रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके अर्निंग को ही हिट कर रहा है, तो आपके अर्निंग में थोड़ी कमी आ सकती है, तो आप उससे नाराज़ मत होइए, ये टाइम का इफेक्ट है। उसके बाद शनि सूद समेत वापस चीज़ें जब मार्गी होगा और जब उसकी दशाएं आपकी अच्छी रहेगी तभी भी आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन दशाएं खराब होगी तो डेफिनेटली आपको जॉब पे थोड़ा सा हिट कर सकता है, या आप जो इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करते कि 20% मिले, शायद वो 20 ना होकर 10% मिले, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, आपके आय में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो अभी आपको जो निगेटिव चीज़ें बताइए उसको आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए, जो सेकंड हाउस से रिलेटेड जितनी पॉजिटिव चीज़ें उनको आप, उनके ऊपर एफर्ट्स कीजिए, उनके ऊपर वर्क कीजिए और वो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, यही सबसे बड़ी रेमेडी है वक्री शनि में, मकर लग्न और राशि के लिए। तो मकर लग्न और राशि के लिए इतना ही, हम आगे अदर बचे हुए राशियों की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।